इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। खिजाने जो खुशबू संभाले हुए गुलिस्तान में वो एक कली भी है जिंदा, खिजाने जो खुशबू संभाले हुए है, अंधेरों से कह दो खुशी ना मनाए, कोई है जो जुगनू संभाले हुए है। गुलिस्तान में वो एक कली भी है जिंदा, खिजाने जो खुशबू संभाले हुए है, अंधेरों से कह दो खुशी ना मनाए, कोई है जो जुगनू संभाले हुए है। निगाहें मुहज़्ज़िब, तकल्लुम में जादू, ज़बाने बलाग़त तो शीरीन लहजा, मोहब्बत की बस्ती मुबारक हो तुझको कि अब तक तू उर्दू संभाले हुए है। कि मोहब्बत की बस्ती मुबारक हो तुझको कि अब तक तू उर्दू संभाले हुए है। देखिए कि जहां जहां से मुझे शेर याद आते हैं मैं कहता चलूंगा, और मुझे लगता है कि दौरे हाजिर पर आज ज्यादा कहने की जरूरत है कि नतीजे रह गए हैं, तशद्दुद के नतीजे रह गए, जमीन पे खून के धब्बे रह गए, तशद्दुद के नतीजे रह गए हैं, जमीन पे खून के धब्बे रह गए हैं, अंधेरे देख पारा बच चुके हैं, सहर को चंद घंटे रह गए हैं, अंधेरे देख पारा बच चुके हैं, सहर को चंद घंटे रह गए। हमें भेजा गया था रहबरी को, हमें भेजा गया था रहबरी को, मगर हम सबसे पीछे रह गए। हमें भेजा गया था रहबरी को, मगर हम सबसे पीछे रह गए हैं। और देखिए कि चार मिसरे के किसी लैला के पागल सर फिरे महबूब जैसा है, किसी लैला के पागल सर फिरे महबूब जैसा है, हमारा हाल भी अब तो किसी मजदूर जैसा है, किसी लैला के पागल सर फिरे महबूब जैसा है, हमारा हाल भी अब तो किसी मजदूर जैसा है, और हजारों दर्द सहती है कभी उठ तक नहीं करती, ऐ मेरे पांव तेरा सब्र भी अय्यूब जैसा है, ऐ मेरे पांव तेरा सब्र भी अय्यूब जैसा है, और जो पूरी हो नहीं सकती है वो ख्वाहिश नहीं करते, जो पूरी हो नहीं सकती है वो ख्वाहिश नहीं करते, जमीन पे रह के हम तारों की फरमाइश नहीं करते, जो पूरी हो नहीं सकती है वो ख्वाहिश नहीं करते, जमीन पे रह के हम तारों की फरमाइश नहीं करते, जो हम चाहें तो घोड़े अब भी दौड़ा दे समंदर में, जो हम चाहें तो घोड़े अब भी दौड़ा दे समंदर में, हमारा मसला यह है कि हम कोशिश नहीं करते। जो पूरी हो नहीं सकती है वो ख्वाहिश नहीं करते, जमीन पे रह के हम तारों की फरमाइश नहीं करते, जो हम चाहें तो घोड़े अब भी दौड़ाते समंदर में, हमारा मसला ये है कि हम कोशिश नहीं करते। अंधेरों के बिना रोशन चराग अच्छे नहीं लगते, अंधेरों के बिना रोशन चराग अच्छे नहीं लगते, बाहर आती नहीं जब तक तो बाग अच्छे नहीं लगते,
और मोहब्बत इश्क का जज्बा नमाजों में न हो शामिल तो फिर पेशानी के सजदों के राग अच्छे नहीं लगते। और बस दुनिया के अंधेरों के बिना रोशन शराब अच्छे नहीं लगते। लुटी तमन्ना और आरज़ू की बारात लेकर चला रहा हूं। देखिए खानापुरी साहब, कोशिश की है कि हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारे बाहर की जो कमजोरियां हैं सामने रखो कि लुटी तमन्ना और आरज़ू की बारात लेकर चला रहा हूं कि अब शिकस्ता कश्ती को बस दुआओं का साथ लेकर चला रहा हूं। लुटी तमन्ना और आरज़ू की बारात लेकर चला रहा हूं, शिकस्ता कश्ती को बस दुआओं का साथ लेकर चला रहा हूं। थी मुझ पे जब तक ज़कात वाजिब, हमेशा दामन को तंग रखा। लुटी तमन्ना और आरज़ू की बारात लेकर चला रहा हूं, शिकस्ता कश्ती को बस दुआओं का साथ लेकर चला रहा हूं। थी मुझ पे जब तक ज़कात वाजिब, हमेशा दामन को तंग रखा, और अब यह आलम है अपने घर को ज़कात लेकर चला रहा हूं। और अब यह आलम है अपने घर को ज़कात लेकर चला रहा हूं। जैसे कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं नज्म पढूं, नज्म से पहले एक मिनट इसका पस मंजर आपके सामने रखता हूं कि आप माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं तो मुझे समझाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी कि हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड पर्सन की लिस्ट जारी की है। जैसे कि साहबत से जुड़े हुए हैं हनान साहब के 100 बा असर शख्सियात की लिस्ट जिसमें हिंदुस्तान से 5 लोगों को शामिल किया है। पहला नाम नरेंद्र मोदी साहब का है, लेकिन मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता नरेंद्र मोदी साहब का जब नाम आता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के पास दौलत है, शोहरत है, हुकूमत है, और ऐसे शख्स का नाम आना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। दूसरा आयुष्मान खुराना का नाम आता है, जो एक बहुत बड़े एक्टर हैं। इनके पास भी दौलत है, शोहरत है, तो मुझे कोई ताज्जुब की बात नहीं लगती कि इनका भी नाम आता है। तीसरे डॉक्टर गुप्ता हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा मरीजों की ट्रीटमेंट की है HIV के। उनके पास भी अपनी शोहरत है, दौलत है, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता कि इनका भी नाम 100 बार शख्सियात में आ गया है। चौथा गूगल के CEO सुंदर पिचाई का नाम है, उनके पास भी अपनी दौलत है, शोहरत है, उनका भी नाम आना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन पांचवा नाम जो है शाहीन बाग के दादी का, जिसके पास न कोई दौलत है, न शोहरत है, न ताकत है, लेकिन एक चीज है उसके पास जिसका नाम है आवाज। जैसे कि किसी शायर ने कहा था कि जिंदा हूं इसलिए ही तो कुछ बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। तो ये जो आवाज है कहीं ना कहीं वो सही पर जिंदा है, लेकिन हमने से खत्म होती जा रही है। तो लीजिए, मेरे नज्म का उन्वान है आवाज, आपके सामने रख रहा हूं। मुझे कोई दाद नहीं चाहिए, कोई आपकी तालियां नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि बस आप इसे सुने और कहीं आपकी लीजिए जिंदगी में अगर काम आए तो मैं समझूंगा कि मेरी शायरी वो सुनूंगी। नज्म का उन्वान है आवाज। आवाज दबाने वालों सुनो, आवाज कहां दब सकती है। आवाज दबाने वालों सुनो, आवाज कहां दब सकती है, आवाज कहां मर सकती है। जिस रोज ये पैदा होती है उसी रोज ही अमृत पीती है, उसी रोज अमर हो जाती है। आवाज दबाने वालों सुनो, आवाज कहां दब सकती है, आवाज कहां मर सकती है। जिस रोज ये पैदा होती है
उसी रोज ही अमृत पीती है, उसी रोज अमर हो जाती है। आवाज दबाने वालों सुनो, आवाज से कैसे लड़ लोगे, आवाज से कैसे जीतोगे। आवाज न सौदा करती है, आवाज न सजदा करती है, आवाज न बैठा करती है, आवाज न टूटा करती है, आवाज आवाजें दे देकर आवाज को पैदा करती है। आवाज से कैसे लड़ोगे, आवाज दबाने वालों सुनो, आवाज से कैसे लड़ लोगे, आवाज से कैसे जीतोगे। आवाज न सौदा करती है, आवाज न सजदा करती है, आवाज न टूटा करती है, आवाज न बैठा करती है, आवाज आवाजें दे देकर आवाज को पैदा करती है। आवाज से कैसे लड़ लोगे, आवाज दबाने वालों सुनो, आवाज से कैसे उलझोगे। आवाज दबाने वालों सुनो, आवाज से कैसे उलझोगे। आवाज कहां कोई शक्ल की है। आवाज दबाने वालों सुनो, आवाज से कैसे उलझोगे। आवाज कहां कोई शक्ल की है। लफ्जों के रूप में होती है, खबरों के रूप में होती है, गीतों के रूप में होती है, गजलों के रूप में होती है, फनकारों के शहकारों पर रंगों के रूप में होती है। आवाज कैसे उलझोगे, आवाज दबाने वालों सुनो, आवाज से कैसे उलझोगे। आवाज दबाने वालों सुनो, आवाज को कैसे रोकोगे, आवाज को कैसे टोकोगे। आवाज दबाने वालों सुनो, आवाज को कैसे रोकोगे, आवाज को कैसे टोकोगे। चीखों से निकल कर आती है, आहों में ढल कर आती है, नारों में मचल कर आती है, जिंदान से चल कर आती है, एक होंठ जो तुम चुप कर भी दो ये होंठ बदल कर आती है। आवाज को कैसे रोकोगे, आवाज दबाने वालों सुनो, आवाज को कैसे रोकोगे, आवाज को कैसे टोकोगे। चीखों से निकल कर आती है, आहों में ढल कर आती है, जिंदान से चल कर आती है, नारों में मचल कर आती है, एक होंठ जो तुम चुप कर भी दो ये होंठ बदल कर आती है। आवाज दबाने वालों सुनो, तारीफ यही सिखलाती है, तारीफ यही बतलाती है। आवाज नहीं मरती बल्कि, आवाज नहीं मिटती बल्कि औकात दिखाकर रहती है, मिट्टी में मिलाकर रहती है। आवाज दबाने वालों को आवाज दबाकर रहती है। दौलत की बात करना कभी जिक्र ताज कर, दौलत की बात करना कभी जिक्र ताज कर, खुसरो का जिक्र छेड़ मुझे खुश मिजाज कर। घर चाहता है तू जो मेरे दिल को जीतना, उर्दू जबान बोल मेरे दिल पे राज कर, उर्दू जबान बोल मेरे दिल पे राज कर। घर चाहता है तू जो मेरे दिल को जीतना, उर्दू जबान बोल मेरे दिल पे राज कर। और चारों से समाप्त में किरदार से किरदार की तश्कील करेंगे, किरदार से किरदार की तश्कील करेंगे, हर काफ को हम मीम में तब्दील करेंगे, हर काफ को हम मीम में तब्दील करेंगे। पैगाम मोहब्बत के हसी फूल खिलाकर, खुशबू तुम्हारे खून में तहलील करेंगे, खुशबू तुम्हारे खून में तहलील करेंगे। समय मधुर, मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली से आप मेरा इस्तकबाल करें।
तो जैसा कि आप देख रहे थे इकबाल, हजरत इकबाल जो जिन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला ने जंग आजादी के पहले मुजाहिद और मौलाना आजाद, ये भी हमारे जिन्होंने एजुकेशन के लिए इन्होंने अपना काम शुरू किया, तो ये सब लोग अमन शांति के लिए काम कर रहे थे। और आज अगर हम दौरे हाजिर पे अगर नजर डालते हैं तो आज हिंदुस्तान की तस्वीर जो है वो धुंधली नजर आ रही है। तो मैं दौरे हाजिर की मुनासिबत से एक मेरी नज्म है, ज्यादा कुछ न पढ़ते हुए इस नज्म को सुना कर मैं इजाजत चाहूंगा, अपना समाप्त करें। असातिज़ा तशरीफ रखते हैं चौन खाना पुलिस साहब, मुश्ताक फारूकी साहब और फारूक अहमद साहब, मतलब पे तवज्जो चाहूंगा। हर तरफ हर जगह खून के हर तरफ हर जगह खून के है निशान, क्या से क्या हो गया मेरा हिंदुस्तान, आग है मजहबी और सियासी धुआं, क्या से क्या हो गया मेरा हिंदुस्तान, भगत सिंह टीपू की जात को उन शहीदों के मासूम जज्बात को आ गई नफरतें प्यार के दरमियान, क्या से क्या